हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो ट्रिक्स में मोबाइल एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में कैसा नेट शेयर किया जाता है, मैं वही सिखाने वाला हूँ आपको। ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करके उन लोगों को सीखने का मौका दीजिएगा। ओके, मैं शुरू करता हूँ फिलोलॉजी। आप मोबाइल में जाके मोबाइल का ऐप्स में जो सेटिंग है, सेटिंग में क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपका सामने ऑप्शन आ जाएगा, जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा, मैं आप लोगों को दिखाने वाला, लिखा रहेगा पोर्टेबल हॉटस्पॉट, या कोई भी मोबाइल में दूसरा हॉटस्पॉट लिखा रहेगा। आप हॉटस्पॉट में क्लिक कीजिएगा। हॉट स्पॉट में क्लिक करने के बाद आपका सामने हॉट स्पॉट वाईफाई हॉट स्पॉट का ऑप्शन आएगा। वाईफाई हॉट स्पॉट आप ओपन कीजिएगा। वाईफाई हॉट स्पॉट ओपन करने के बाद जो आदमी आपका मोबाइल से शेयर लेना चाहता है, वही मोबाइल में आपका मोबाइल का जो सेट का नाम है, वही सेट का नाम उनके वाईफाई में शॉर्ट होने के बाद वो क्लिक करेगा आपका सेट का नाम। क्लिक करने के बाद आपका सेट तो सामने उनका आएगा पासवर्ड टाइप करने का। आप देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेट आप वाईफाई हॉटस्पॉट, जो पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट के नीचे जो सेट आप वाईफाई हॉटस्पॉट है, इसमें आप क्लिक करके अपना पासवर्ड, अपना नेटवर्क बैंड आप चेंज कर सकता है। ये नेटवर्क बैंड होता है WPA2PSK, ये नेटवर्क बैंड होता है। और आपका जो पासवर्ड है, वही पासवर्ड आप चेंज कर सकता है अपना मर्ज़ी के मुताबिक। आप देखिए ये पासवर्ड में क्या लगाया है, वो जो राइट साइड में जो ऑप्शन है आँखों का जो ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेगा तो आपका सामने पासवर्ड जो लगाया है वही आप आसानी से देख सकता है। फिर इसमें क्लिक करेगा तो वो हाइड हो जाएगा, आप का नज़र नहीं आएगा। इसीलिए आप जो पासवर्ड सेव करेगा वो आप पासवर्ड आप खुद देख सकता है इसमें क्लिक करके, ये सही या गलत जो लगाया है आपने। आप ये ऐसा आप क्या कर सकता है, आप दूसरा भी लगा सकता है। ऐसा भी आप लगा सकता है, लगा के आप इसमें ये बैंड होता है, कोई भी एक बैंड आप लगा सकता है, 5 GHz बैंड लगा सकता है। ये लगा के आप ओके में क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपका नाम में वही पासवर्ड सेव हो जाएगा। और ये नीचे दिया गया है, जो सबसे नीचे जो ऑप्शन है कनेक्टेड डिवाइस, मतलब जो जितना भी डिवाइस आप एक साथ में कनेक्ट करेगा वो आपका नीचे एकदम नीचे ऑप्शन में आ जाएगा, ये कितना डिवाइस आपने आपका इस अकाउंट में सेव हुई है या ऑलरेडी कनेक्टेड है नेट से, आपका मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप आसानी से आप देख सकते हो। और ये जो ऑटोमेटिक क्लोज हॉटस्पॉट जो ऊपर में दिया गया है, ये ऑटोमेटिक क्लोज हॉटस्पॉट यह होता है कि आप 4-5 या जितना भी मोबाइल के साथ आपका नेट शेयर करेगा उतना मोबाइल के साथ वो जुड़े रहेगा। जब हर मोबाइल के साथ उसका संपर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये हॉटस्पॉट क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये बंद और क्लोज करने का ये ऑटोमेटिक तरीका है। जब तक जुड़े रहेगा दूसरा डिवाइस आपका मोबाइल के साथ कनेक्ट, तब तक ये काम करता रहेगा। कोई नेटवर्क का सिस्टम से आप इधर से उधर चले गया, ये मोबाइल का जो संपर्क नेटवर्क का है वाईफाई हॉटस्पॉट का, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिक आपका हॉटस्पॉट क्लोज एंड बंद हो जाएगा। यह है आसान तरीका मोबाइल के साथ मोबाइल शेयर करना। ओके माय डियर ऑल फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पर रिमाइंड अप करता हूँ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।